हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बसा सिद्दीकी। तो आज मैं आपके लिए फिर से मीशो चिकन कुर्ती लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मीशो की मैंने चिकनकारी कुर्ती इस हॉल में मैंने पूरी चिकनकारी कुर्ती से ऐड की है, क्योंकि आजकल जैसे समर्स में चिकन की कुर्तियां बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड में होती हैं और लोगों को ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद आती हैं गर्मियों में, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट वेट कपड़ा होता है, हल्का होता है, तो समर्स में बहुत अच्छा लगता है पहनने पर। तो इसमें मैंने 7 कुर्तीज मैंने ऐड की है जो चिकनकारी है, और इनपे ये है कॉटन पे है सारे। इसमें जॉर्जेट का मैंने नहीं ऐड किया, आप देख सकते हैं सारे डिफरेंट कलर है, सेपरेट डिफरेंट पैटर्न है, और इनकी एम्ब्रॉयडरी जो धागे की वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कफ्तान है जो डार्क ब्लू कलर का है, इस पे व्हाइट कलर की धागे से एम्ब्रॉयडरी है, जो बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। और सर बताएं प्राइस के अकॉर्डिंग, मुझे इतना अच्छा रिसीव हुआ जो मैंने देखा इसको, तो इसका प्राइस 399 है शायद। इसके अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी एक थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अभी ये डार्क कलर का कॉटन का मटेरियल है और ये वॉश करने पे अगर इसका कलर जरा सा भी निकला तो ये व्हाइट कलर की जो एम्ब्रॉयडरी और ये व्हाइट कलर की जो लेस लगी इतनी प्यारी सी, तो इस पे अगर कलर चढ़ गया तो फिर सारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा डाउट है मुझे, बाकी इस प्राइस में ये जो पैटर्न मुझे मिला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये देखें पूरा फ्री साइज ये कफ्तान है और इतना प्यारा लग रहा देखने में, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो ये डार्क ब्लू कलर का, इस पे व्हाइट धागे से पूरी यहाँ पे देखे शोल्डर पे आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, और नेक लाइन पे भी आपको पूरा डिजाइन मिल जाता है इस तरह का, बहुत प्यारा सा लग रहा है। और सेम पैटर्न वही है, और पूरे बाकी पूरे आपको कफ्तान में ऐसे छोटे छोटे फ्लावर मिले हुए हैं, पूरे नीचे तक बने हुए हैं ऐसे फ्लावर, और पूरे साइड में और नीचे आपको व्हाइट कलर की लेस मिल जा रही है जो बहुत खूबसूरत लग रही है। इसको आप व्हाइट कलर व्हाइट जीन्स या व्हाइट प्लाजो के साथ पहनेंगे बहुत ज्यादा औसम लुक लगने वाला बहुत, और इस तरह का मतलब इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है जैसे देखने में सेम वही है, और इसको आप एज अ पार्टी में भी पहन के जा सकते हैं। और इसका मतलब ऐसे लाइट है और इतना ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा शाइनी या कुछ नहीं है, तो इसलिए आप ऑफिस में भी पहन के जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सोवर सा है। और इसमें आप यहाँ पे फ्री साइज है, तो यहाँ पे आपको ये दी हुई है डोरी, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जितना भी आपका जो साइज है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको टाई अप कर सकते हैं। तो आपका जो ये आगे फ्रंट का टमी एरिया पूरा एकदम आपका शेप में आ जाएगा। तो ये फ्री साइज के कफ्तान लेने का थोड़ा सा ये फायदा रहता है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो ये डोरी दी हुई है, इससे आप अपना साइज के अकॉर्डिंग इसे टाइट एंड लूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा पूरा इस तरह का पूरा पैटर्न है, और सच बताएं इसमें शायद ब्लू कलर ही है और कोई कलर नहीं है शायद, तो मुझे ब्लू कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि डार्क कलर पे ये व्हाइट कलर का जो ये एम्ब्रॉयडरी धागे से है और ये जो लेस लगी है इसका पूरा लुक इसी से आ रहा है, डार्क पे व्हाइट पे मतलब डार्क कपड़े पे व्हाइट कलर का ये जो थ्रेड वर्क और ये सब है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट एंड प्यारा सा मुझे कफ्तान लगा। तो इसके साथ अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो इसका कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज करते हैं, क्योंकि प्राइस इसका बहुत ज्यादा कम है जो मुझे रिसीव हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट मेरा ये था कफ्तान ब्लू कलर का। इसके बाद यहाँ पे 6 ये है चिकन की कुर्तियां हैं जो है कॉटन मटेरियल में। तो यहाँ पे मैंने जॉर्जेट एक आता हल्का वाला जॉर्जेट आता वो वाला इसमें नहीं ऐड किया, प्योर कॉटन की कुर्तियां हैं, तो समर्स में काफी अच्छा कलेक्शन होने वाला है। तो इसके साथ इन कुर्तियों के साथ मुझे लाइनिंग नहीं रिसीव हुई है, खाली कुर्तियां मुझे रिसीव हुई हैं। तो इस तरह की आपको प्यारी सी एकदम लाइट पिंक कलर की, इतनी भी ज्यादा लाइट नहीं जितनी वीडियो में दिख रही है, इसमें ज्यादा ही लाइट दिख रही है, और लेकिन थोड़ी सी लाइट पिंक कलर की मैंने इसमें ऐड की है। और ये है फुल स्लीव्स आपको इसमें मिल जा रही है, राउंड नेक है फ्रंट एंड बैक पे, थोड़ा सा वी नेक फ्रंट पे दिया हुआ है, और नेक पे आपको इस तरह का धागे से पूरी एम्ब्रॉयडरी है व्हाइट धागे से, और बाकी ये बूटे बने हुए हैं पूरे कुर्ती में इस तरह से पूरा। इसमें भी काफी ढेर सारे साइजेस हैं, मैंने इसमें
44 साइज मंगाया क्योंकि साइज अभी बड़ा हुआ है, तो साइज इसे अभी आपको बड़े बड़े साइज आपको मिलेंगे। तो ये है 44 साइज, इसमें मीडियम लार्ज स्मॉल भी है, तो आप अपने साइज का परचेज कर सकते हैं। अभी मेरा साइज बड़ा हुआ तो अभी मैं बड़े बड़े साइज ही परचेज कर रही हूँ। तो ये है पूरा इस तरह का पिंक कलर का कुर्ता, तो इस पे भी व्हाइट प्लाजो सलवार या फिर जीन्स जो भी आप वेयर करें वो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपको बैक में पूरा प्लेन मिल जाता है। तो इस तरह के कुर्ते पे जैसे आप थोड़ा सा कपड़ा हल्का है, ये ऐसा सी थ्रू है, तो आप इस पे व्हाइट कलर की या लाइट पिंक कलर की लाइनिंग वगैरह जो आपके पास होगी वो आप उस पे नीचे पहन सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कुर्ता क्वालिटी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि धुलने पे भी थोड़ा सा कपड़ा इसका थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसमें थोड़ा सा कलफ हुआ होता है तो थोड़ा ज्यादा पतला लगता है, तो धुलने के बाद थोड़ा सा हो जाता है। तो ये सेकेंड कुर्ती मेरी पिंक थी एंड थर्ड कुर्ती इस तरह की फ्रोजी कलर, ये होता है फ्रोजी कलर, ब्लू कलर नहीं है, फ्रोजी कलर ब्लू कलर, तो ये है। तो इसमें भी मैंने 46 साइज मंगाया हुआ है। तो ये है पूरी इस तरह की कॉटन का, तो इसका पिंक वाले से थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा मोटा है, इसमें अगर आप इसको वॉश करके ऐसे ही पहनते तो ऐसा मतलब सी थ्रू नहीं होगा, दिखेगा नहीं आपका, काफी अच्छा कपड़ा है। और इस तरह का आपको पूरा कुर्ता मिल जाता है, इसकी भी फुल स्लीव्स आपको मिल जाती है इस तरह की। और इस तरह के कुर्ते भी आप गिफ्ट कर सकते हैं अपनी मम्मी को, भाभी को या किसी को, तो ये बर्थडे एनिवर्सरी में ये गिफ्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे नेक एरिया पे आपको इस तरह का धागे का वर्क मिल जाता है और पूरे इसमें सेम वही आपको पूरे नीचे तक ही इस तरह की बूटियां मिल जाती हैं जो बहुत अच्छी लग रही है, और पीछे पूरा आपको प्लेन मिल जाता है इस तरह से। तो इसमें भी काफी 304 कलर है, अगर ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहा तो और भी कोई कलर परचेज कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें सारे डिफरेंट कलर ही ऐड करने थे, तो इसीलिए मैंने ये कलर, मुझे अच्छा लग रहा था, काफी अच्छा कलर है। उस पे व्हाइट कलर का जो ये पूरी सी एम्ब्रॉयडरी है ये भी बहुत प्यारी लग रही है। तो ये है इस तरह का मेरा थर्ड कुर्ता जो प्योर कॉटन का है, चिकन वर्क। एंड फोर्थ कुर्ता इस तरह का मेरा है पूरा डार्क मस्टर्ड कलर का जो बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा फेवरेट। हर हॉल में आपको एक मस्टर्ड कुर्ता दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि वो है मेरा फेवरेट कलर। तो इसमें भी मैंने दो कुर्ते ऐड किए, एक थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क नहीं है, बहुत ज्यादा वैसा डार्क नहीं है, लेकिन हाँ पहनने पे ये समर्स पे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, कूल कूल। तो ये है थोड़ा सा, और ये भी बता दें आपको प्योर कॉटन का है, और ये भी थोड़ा सा कपड़ा इसका ये सी थ्रू नहीं है, आप वॉश करेंगे थोड़ा सा कपड़ा धुलने पे ऐसा थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है ये वाले जो कपड़े होते हैं, क्योंकि मैंने एक बार मेरा एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे भी आपको नेक डिजाइन पूरा धागे से पूरी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, पूरे नेक पे आपको दिख रहा होगा, और सेम वही पैटर्न है, आपको नीचे इस तरह की बूटियां मिल जाती हैं पूरे कुर्ते में, और बैक आपको पूरा प्लेन मिल जाता है, और राउंड नेक है बैक एंड फ्रंट पे, आगे से थोड़ा सा वी नेक दिया हुआ है, और इसकी भी स्लीव्स इसी फुल स्लीव्स हैं आपको मिल जाती हैं। तो ये है पूरा इस तरह का मस्टर्ड कलर का कुर्ता, और इसमें भी कलर काफी हैं ढेर सारे, तो आप ये नहीं अगर मस्टर्ड कलर नहीं पसंद है तो और कोई कलर ले सकते हैं। तो इन सारे कुर्तों के प्राइस आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे और कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर कुछ पसंद आता है तो वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई कुछ और कलेक्शन या किसी भी साइट का वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी आप लोगों की रिक्वेस्ट फुलफिल करने की। तो ये है मेरा नेक्स्ट व्हाइट कलर का कुर्ता, बहुत प्यारा सा खूबसूरत है, और इस पे भी पूरी धागे से नेक एरिया पे पूरा धागे से एम्ब्रॉयडरी है, और ये आजकल व्हाइट कलर पहनने का भी थोड़ा सा ज्यादा शौक लगा है। तो ये व्हाइट कलर का कुर्ता, इस पे भी पूरा नेक पे पूरा एम्ब्रॉयडरी है, और इसके भी फुल स्लीव्स आपको मिल जाती हैं, और व्हाइट पूरा राउंड नेक है, और आगे से थोड़ा सा वी नेक है। तो यहाँ पे आपको पास से दिखा देते हैं कितना प्यारा सा इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है डिजाइन, और सेम आपको छोटे छोटे फ्लावर आपको नीचे कुर्ते में भी दिख रहे होंगे ये पास से।
ये भी कॉटन का मटेरियल है, बहुत अच्छा कॉटन है, मतलब एकदम प्योर कॉटन नहीं होता वो कॉटन है। तो इन सबके जो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे कुर्ते रिसीव हुए, सर्वथा मुझे बहुत अच्छे लगे, क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। और ये भी कुर्ता मतलब ऐसा नहीं कि इसका कपड़ा बहुत ज्यादा थीन हो, हल्का हो, ऐसा नहीं है, कपड़ा बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन का है। तो ये है मेरा व्हाइट कलर का कुर्ता। नेक्स्ट है वो भी डार्क ब्लू कलर का कुर्ता, बहुत प्यारा सा डिफरेंट पैटर्न है और इस पे भी पूरी एम्ब्रॉयडरी धागे की हो रखी है। तो ये है इस तरह का, इसमें थोड़ा सा ज्यादा वर्क है और ये सर्वथा थोड़ा सा अलग ही, इसका कपड़ा भी थोड़ा सा ज्यादा मोटा है ऐसा, और पूरे नेक एरिया पे आपको इस तरह से डिजाइन देखिए कितना प्यारा। और यहाँ पे इसमें ये आपके बटन है, क्रोशिया का जो डिजाइन होता है ना उसके बटन लगे हुए हैं, ये आप पास देख सकते हैं। तो इसमें भी कलर है, अगर आपको ब्लू कलर नहीं पसंद आता तो और ले सकते हैं कोई और कलर। यहाँ पे देखिए शोल्डर पे भी आपको इस तरह से डिजाइन है और इसमें स्लीव्स में भी इस तरह का, और कुर्तियों में नहीं है, प्लेन है, पर यहाँ पे स्लीव्स में इस तरह का कढ़ाई है। और पूरे कुर्ते में आपको ये देखें बड़े बड़े से फ्लावर मिल रहे हैं और यहाँ साइड में आपको कितनी प्यारी सी लेस बनाई हुई है एम्ब्रॉयडरी धागे की। तो ये कुर्ता थोड़ा सा डिफरेंट है और कपड़ा इसका क्लोथ मटेरियल जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, और पैटर्न कढ़ाई वगैरह आपको फुल मिल जा रही है। तो यहाँ बैक में भी आपको पूरा एक अच्छा सा बूटा जैसा मिल जा रहा है, काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि और कुर्तों में बैक में नहीं है पर इसमें है, और बाकी पूरा प्लेन है, बस आपको फ्रंट पे ऐसा डिजाइन मिल जा रहा है। और पूरा आगे का फ्रंट का तो आपको देख ही लिया कितना प्यारा सा कलर, और जी डार्क कलर पे जैसे व्हाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है वो थोड़ा सा अलग ही लुक आता है कुर्ते का। तो ये इस पे इतना खिल के आ रहा है ये कलर पे व्हाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी। तो ये कुर्ता अगर आपने परचेज नहीं किया है तो ये जरूर कर ले क्योंकि ये बहुत प्यारा सा कुर्ता है। तो ये है व्हाइट कलर। नेक्स्ट एंड लास्ट कुर्ता मेरा है, मेरा फेवरेट कलर मस्टर्ड कलर का कुर्ता, और ये भी पूरा डिफरेंट है, कलर बहुत प्यारा है और इस पे एम्ब्रॉयडरी है वो भी येलो कलर के धागे से है, और इसका क्लोथ मटेरियल थोड़ा सा अच्छा वाला है, मोटा कॉटन का है, लेकिन इस पे वो जो इसका ये डिजाइन देखे कपड़े का उस पे भी डिजाइन बना हुआ है थोड़ा सा धागे का, थोड़ा सा अलग ही पैटर्न है इसका, काफी अच्छा लग रहा है। प्राइस इसका जो मैंने पे किया उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी लाइट में थोड़ी सी वो हो रही है, यहाँ पे नेक एरिया पे आपको डिजाइन मिल रहा है और यहाँ ये नेक पे देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों पे क्रोशिया का डिजाइन ये होता है, ये लेस होती है क्रोशिया की, लेस लगी हुई है आगे, और यहाँ पे ये बटन भी लगे हुए हैं इस तरह से। और ये है इसकी स्लीव्स में भी इस तरह का क्रोशिया का डिजाइन बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखें पास से। तो आई थिंक फुल स्लीव्स ही जाएगा आपका ऐसे, और पूरे कुर्ते में यहाँ पे इस तरह से कपड़े में ही डिजाइन बनी हुई है, छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं, और साइड दामन तक पूरा नीचे भी ऐसे लेस बना हुआ है, क्रोशिया का लेस बना हुआ है। तो बैक में भी सेम कपड़ा इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा मोटा, इसमें लाइनिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कुर्ती भी पहन सकते हैं। तो इस तरह की कुर्ती के साथ भी आप व्हाइट जीन्स व्हाइट प्लाजो के साथ आप वेयर करें, बहुत अच्छा डिफरेंट लुक लगेगा, थोड़ा सा समर्स में कूल कूल डिजाइन आपका लुक आएगा। तो इसको भी काफी अच्छे तरह से आप ये सारे कुर्ते जो है सारे आप ऑफिस वगैरह में भी वेयर कर सकते हैं, और घर में भी अगर पहनना लेना चाहे घर के लिए जैसे, तो वो भी आप इसमें से सारे कुर्ते बहुत ही अच्छे है, और प्राइस बहुत ज्यादा कम है, जो मुझे इस कुर्तों की क्वालिटी रिसीव हुई है उससे अकॉर्डिंग प्राइस इसका पूरा वर्थ है। तो ये रहा मेरा प्यारा सा मीशो चिकनकारी कुर्ता हॉल, और कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जरा सा भी अच्छा लगा हेल्पफुल वीडियो लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आगे फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड मीशो के सारी कलेक्शन आने वाला वीडियो नेक्स्ट, तो उसको जरूर से वॉच करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखें, मम्मी याद रखें, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।